अखबार में अब वक्त है सत्य और तथ्य का। एक मैगजीन में छपे आर्टिकल ने आज मेरा ध्यान बहुत केंद्रित किया, आकर्षित किया, और इसका क्या कारण है वो मैं आपको के साथ शेयर भी करना चाहता हूं। ऑर्गेनाइजर नाम की एक वीकली मैगजीन में भारत में आबादी के बिगड़ते संतुलन और देश में आ रहे डेमोग्राफिक चेंज की समस्या पर एक लेख पब्लिश हुआ। इसमें कहा गया कि भारत को एक जनसंख्या नीति की सख्त आवश्यकता है। आर्टिकल में कहा गया कि देश में हिंदुओं के मुकाबले मुस्लिमों की आबादी में इजाफा हो रहा है। इतना ही नहीं, उत्तर भारत के मुकाबले दक्षिण और पश्चिम भारत की जनसंख्या में आ रही कमी भी एक बड़ी चिंता का विषय है। इस खबर के दो पहलू हैं, एक है धार्मिक आधार पर डेमोग्राफिक चेंज और दूसरा है रीजन यानी क्षेत्रीय आधार पर डेमोग्राफिक चेंज बदलाव। सबसे पहले समझिए धार्मिक आधार पर बदलाव की क्या समस्याएं पैदा हो सकती हैं। प्रधानमंत्री की सलाहकार परिषद की हाल ही में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 1950 से 2015 के बीच हिंदुओं की आबादी 7.82% कम हुई है, वहीं मुस्लिम्स की आबादी 43.15% बढ़ी है। इस असमानता की वजह से देश के कई राज्यों, खासतौर पर सीमावर्ती राज्यों की डेमोग्राफी बदल रही है और इससे वहां की मूल निवासियों को अपने संसाधनों का बंटवारा करना पड़ता है और इसकी वजह से आतंकवाद और उग्रवाद में इजाफा होने की आशंका जताई जा रही है। देश में चुनावों पर इस बदलाव का सबसे ज्यादा इंपैक्ट प्रभाव पड़ता है क्योंकि ये भी उस पर इंपैक्ट डाल सकते हैं। और साथ ही साथ अगर हम रीजन की बात करें तो दक्षिण भारत की तुलना में उत्तर भारत की जनसंख्या ज्यादा बढ़ रही है, इससे भी एक बड़ा बदलाव आएगा। और जब परिसीमन होगा तो उत्तर भारत की सीटें ज्यादा बढ़ेंगी और दक्षिण भारत की उस संख्या में नहीं बढ़ेंगी, इसलिए ये रीजन के आधार पर बदलाव है। और मुझे लगा कि ये बात आज आपके साथ शेयर करनी चाहिए क्योंकि ये हर आधार पर देश के लिए बेहतर नहीं है, चाहे कुछ भी कहे। तो फिलहाल आर पार के आज के एडिशन में इतना ही। उम्मीद है आपको कार्यक्रम पसंद आया होगा। अगला शो देश नहीं झुकने देंगे जरूर देखिए।